अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंटफुल यानी प्रिंटिफाई के डायरेक्ट कंपेटिटर के बारे में और इसके अमेजिंग टूल्स, फीचर्स और रिपोर्ट सिस्टम के बारे में, जो कि ना सिर्फ आपके प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को आसान बनाता है बल्कि आपके प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि प्रिंटफुल एक ड्रॉपशिप प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी है जो कि आपको आपके प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के लिए ऑर्डर फुलफिलमेंट की सर्विस ऑफर करता है। ये बेसिकली प्रिंटिफाई का ही डायरेक्ट कंपेटिटर है, लेकिन जहां प्रिंटिफाई आपके और प्रिंट प्रोवाइडर के बीच पे एक मिडल मैन है। प्रिंटिफाई पर आप दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करते हो अपनी ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए, प्रिंटफुल आपको आपका ऑर्डर खुद ही फुलफिल करके देता है। प्रिंटफुल इस ऑर्डर को खुद ही प्रोड्यूस, शिप और डिलीवर करता है। अब वैसे तो प्रिंट ऑन डिमांड में फुलफिलमेंट की कई सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई ये दो सबसे बड़ी हैं। 90% सेलर जो है इन्हीं दोनों कंपनीज को यूज़ करते हैं और बाकी जो 10% है वो बाकी कंपनीज को यूज़ करते हैं। कुछ हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं। अगर आप न्यू प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं तो 95% चांस है कि आप इन्हीं दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे। प्रिंटिफाई का कंप्लीट ओवरव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर कहीं दे दूंगा, इसके बाद आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम करेंगे कंप्लीट ओवरव्यू प्रिंटफुल का, कि प्रिंटफुल क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके क्या अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि आपके प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को आसान बना सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी अगर आप प्रिंटफुल को, एक तो इनके नाम भी एक साथ उसमें मिलते जुलते मुंह पे आते ही नहीं है, अगर आप प्रिंटफुल को यूज़ करते हैं एज अ प्रोडक्शन पार्टनर। एज प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हमें क्या चाहिए होता है, एक फास्ट, सस्ती और क्वालिटी ऑर्डर फुलफिलमेंट सर्विस। तो इन्हीं सारे फिल्टर से आज हम प्रिंटफुल को गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या ये वर्थ कंसीडर्ड है एज अ प्रोडक्शन पार्टनर सेलेक्ट करने के। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ करते हैं पोस्टमार्टम प्रिंटफुल का। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर। यहाँ मैंने अपने पास printful.com ऑलरेडी खोला हुआ है। आपने सिंपली अपने ब्राउजर पर आकर printful.com सर्च करना है और ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप प्रिंटफुल पर नए हैं और पहली बार साइनअप कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रेफरल लिंक के थ्रू ही साइन अप करें। अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको इंस्टेंटली प्रिंटफुल की तरफ से $5 का प्रिंटफुल क्रेडिट मिलेगा और $5 के प्रिंटफुल की तरफ से रिवॉर्ड मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पहले ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। प्रिंटफुल पे बेसिकली रिवॉर्ड सिस्टम होता है, जैसे जैसे आप प्रिंटफुल से ऑर्डर फुलफिल करवाते जाते हैं तो आपको इनसे जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, जिन्हें आप फ्यूचर वाले ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $5 इंस्टेंटली प्रिंटफुल क्रेडिट मिलेगा, जिसे आप अपने पहले ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और $5 के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिन्हें आपको आने वाले ऑर्डर्स मतलब फ्यूचर वाले ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं और पहली बार साइन अप करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू ही साइन अप करें और प्रिंटफुल के रिवॉर्ड सिस्टम से फ़ायदा हासिल करें। तो और टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए हम साइन अप पर क्लिक करते हैं और साइन अप का प्रोसेस शुरू करते हैं। साइन अप करते साथ ही हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए कि कैसे आपको साइन अप करना है, साइन अप है ईमेल, तो हम साइन अप है गूगल कर देंगे ताकि सारी डिटेल गूगल से डायरेक्ट यूटेल है और हमें ज़्यादा ख्वार ना होना पड़े। ये मैं अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देख रहे हैं इसने मेरी ईमेल ऑटोमेटिकली उठा ली, नाम भी इसने हज़मान हसन कर दिया, हज़मान हसन के नाम से मेरा पहले भी अकाउंट है, तो इसको मैं सिर्फ हज़मान कर देता हूँ, जमान 20 कर, बल्कि हाँ सिर्फ जमान कर देता हूँ ताकि नाम मेरे सही है। आई एग्री टर्म्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट और साइन अप। जैसे साइन अप में मैंने क्लिक किया तो कहने अपने बारे में बताओ भाई, क्या करते हो आप, ऑनलाइन सेल करते हो या अपने लिए ऑर्डर कर रहे हो। बेसिकली प्रिंटफुल जो है पर्सनल आम लोगों को भी वो करता है कि अगर कोई आम बंदा है अपने लिए शर्ट बनवा रहा है, अपनी फैमिली के लिए शर्ट बनवा रहा है, किसी इवेंट के लिए शर्ट बनवा रहा है, तो वो भी प्रिंटफुल को यूज़ कर सकता है। लेकिन हमें ऑनलाइन सेल करना है तो हम सेल ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट डिस्क्राइब योर बिजनेस बेस्ट, एजेंसी हो, आर्टिस्ट हो, एस्टैब्लिश बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ब्रांड, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, पब्लिक फिगर, अदर। ठीक है, अब जिस तरीके से यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना मर्च का कॉन्टेंट सेल करते हैं, अपनी मर्चेंडाइज सेल करते हैं, तो वो लोग अगर होंगे तो ये वो पब्लिक फिगर में आ जाएंगे। हम क्या हैं, हम 1% जनरेट साइड हसल, हाँ तो हम इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इस पर क्लिक कर देंगे, या तो हम आर्टिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हम अगर आप डिज़ाइनर, बेसिकली किस पे भी क्लिक कर दें एक ही बात है, ये बस ये लोग ये भी ले रहे होते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। कह रहे भाई आपका रेवेन्यू कितना है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो हम $1 से लेकर 10,000 के बीच में रख देंगे इसको। What kind of product you are interested in, clothing, kids, youth, hat, accessories, this I don't understand. आई डोंट नो यार, हम क्लोथिंग कर देंगे इसको। ये देख रहे नीचे स्किप के ऑप्शन भी, अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप भी इनको कर सकते हैं। और जैसे ये चीज़ कुछ ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए हैं, अब ये प्रिंटफुल ने हमारे लिए डैशबोर्ड हमारा तैयार कर दिया। दैट्स इट, इतना सा काम था बस प्रिंटफुल पे साइन अप करने का।
अब साइन अप करते ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस कह रहे हैं वेलकम टू प्रिंटफुल डैशबोर्ड, लेट गेट स्टार्टेड। लेट गेट स्टार्टेड में सबसे पहले हमें क्या करना है, डिज़ाइन योर प्रोडक्ट, जो कि हमने जिस तरीके से प्रिंटिफाई पे किया था। अगर आपने मेरी प्रिंटिफाई वाली वीडियो नहीं देखी, प्रिंटिफाई का भी मैं डिटेल वो कर चुका हूँ, ओवरव्यू, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगा, आप इस वीडियो के बाद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी यही चीज़ें आ रही थी बेसिकली, पहले डिज़ाइन प्रोडक्ट करो, कनेक्ट योर स्टोर करो, अपलोड योर प्रोडक्ट टू स्टोर, सेटअप अ बिलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि हमें करनी है। लेकिन हम अभी इसमें फ़िलहाल कुछ कर नहीं रहे। आपने जैसे ही आएंगे इस पर, आपने सबसे पहले ये चीज़ें लाजमी करनी है, अपने स्टोर कनेक्ट करना है, प्रोडक्ट अपलोड करना है अपने स्टोर पे, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर इन सबको करने लगूंगा तो ये वीडियो घंटे से ऊपर तक की निकल जाएगी और हम किसी और ही डायरेक्शन में निकल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम इसका ओवरव्यू ही करते हैं सारी चीज़ों का, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये कि अगर आप किसी चीज़ पर चाह रहे हैं कि मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊँ, उसको डिटेल में कवर करूँ, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लेके बता सकते हैं, मैं उसको डिटेल में ज़रूर कवर करूँगा। और ये चीज़ें जो ये मैं कह रहा है कि भाई ये सबसे पहले तो ये चीज़ें करो, ठीक है, जैसे जैसे आप न्यूली साइन अप हुए हो, क्लेम योर डिस्काउंट न्यू नाउ एंड सेव बिग, सी व्हाट्स डिज़ाइन लुक लाइक इन रियल लाइफ, ऑर्डर अप टू 3 प्रोडक्ट्स विद योर स्पेशल वेलकम डिस्काउंट। कह रहे हैं भाई आपके पास 24 घंटे तक का टाइम है, 24 घंटे तक आपके पास वेलकम डिस्काउंट है, आपने अभी नए साइन अप किए हो तो पहले ऑर्डर पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये देख रहे हैं आप, अब अगर आप मेरी जगह होते हो, इस तरह कर लिया होता और आपका प्रोडक्ट रेडी ना होता तो ये कि आप इस तरह के डिस्काउंट पे हाथ धो बैठते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिंटफुल पे तभी साइन अप करें जब आपके पास ऑर्डर रेडी हो, आपने ऑर्डर डायरेक्ट डायरेक्ट प्लेस करना हो, ताकि आप 24 घंटे के अंदर उस ऑर्डर को प्लेस करें और 30% डिस्काउंट लें अपने पहले ही ऑर्डर पर। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ये अगर मेरे पास आया है तो ये आपके पास भी आएगा, ये बेसिकली वेलकम डिस्काउंट है। अब ये सारी चीज़ें जो कि हमारे होम पेज पर आ रही हैं, डैशबोर्ड पर आ रही हैं। इसके अलावा अब अगर आप अभी ये फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रिंटफुल के साथ अपनी चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे और सेल करने लगेंगे तो यहाँ पे सारे आपके स्टेटिस्टिक्स होंगे, रिकमेंडेशन होगी, आपके जो डेटा होगा उस पर बेसिस पर, तो यहाँ पर आपको तब ये चीज़ें दिखेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये वेलकम ही कह रहे हैं। और इसके अलावा ये सारे फीचर्स हैं जो कि हमें प्रिंटफुल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फीचर जो हमारा है वो प्रोडक्ट कैटलॉग का है। प्रोडक्ट कैटलॉग जैसे कि इसका नाम ही से डिफाइन करता है, प्रोडक्ट कैटलॉग में हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ कैटलॉग्स हैं। और प्रिंटफुल के कैटलॉग की सबसे खास बात है कि प्रिंटफुल ने अच्छे तरीके से चीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है, और ये तो खैर ब्रांडिंग है इनकी, स्पेशल ऑफर, न्यू प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली, लेकिन ये हैं जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, मेन क्लोथिंग्स अलग, वुमेन क्लोथिंग्स अलग, किड्स क्लोथिंग अलग, हेड्स अलग, एक्सेसरीज अलग, एक्सेसरीज़ में भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, टॉय बैग्स आ जाते हैं, ड्रॉस्ट्रिंग्स बैग और डिफरेंट चीज़ें हैं। और इन सब कैटेगरीज़ के अंदर, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर फिर एक और कैटेगरीज है, तो डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, तकरीबन साफ सुथरा रखा गया है चीज़ों को। आप यहाँ पर जाके खुद ही अपने प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, जैसे कि अगर हम मग्स में ढूंढना चाह रहे थे तो मग्स ये रहे हमारे पास, लेकिन आप में से ज़्यादा लोग क्लोथिंग में ही काम करेंगे तो क्लोथिंग ये रहा, क्लोथिंग में हम आके ऑल टी शर्ट पर अगर हम जाएंगे तो सारी टी शर्ट्स खुलेंगी, अगर हम सिर्फ टी शर्ट्स पर जाएंगे तो सिर्फ टी शर्ट्स हमारे पास खुलेंगी, जिसमें हम सिर्फ फ्रंट चेस्ट पे और बैक पे प्रिंट कर सकते हैं, तो वो टी शर्ट्स हमारी ये ही सारी खुल गई। बेसिकली ये प्रिंटिफाई का प्रोडक्ट कैटलॉग है जो कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसको वेल ऑर्गेनाइज किया गया तो इसलिए इतनी ज़्यादा लंबी कैटेगरीज हमें दिख नहीं रही, लेकिन जब आप अपना प्रोडक्ट ढूंढने लगेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जो मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च की है, जहाँ मैं आपसे, आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंसेस, एक दूसरे की गलतियों से सीख सकते हैं। इसके अलावा इस कम्युनिटी में मैं काफ़ी हेल्प फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के, कैसे आप ऑर्डर्स को हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप रिटर्न्स को हैंडल कर सकते हैं, काफ़ी इस तरह की निशेज के, किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन को आपको टारगेट नहीं करना चाहिए, इस तरह की काफ़ी हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा इस कम्युनिटी में मैं अपनी अप्रोच भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए एक पैसिव इनकम का जरिया, उसके बाद एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरी प्रिंट ऑन डिमांड की अप्रोच को कॉपी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। ऑर्डर्स में आपके सारे ऑर्डर्स होंगे, जो जो ऑर्डर्स आपने बनाए होंगे वो सारे आपके यहाँ होंगे। ऑर्डर्स चाहें तो आप इंपोर्ट करवा सकते हैं CSV फाइल से, और नए ऑर्डर्स, मैनुअल ऑर्डर्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई स्टोर इंटीग्रेट किया तो उसके ऑर्डर्स भी सारे आपको यहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ FAQs हैं कि अगर आप चेक कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फुलफिल द ऑर्डर, वी टेक 2 to 5 बिजनेस डे टू मेक योर ऑर्डर, 2 to 5 दिन लगेंगे उसको बनने में, लेकिन एक मेजोरिटी 3 और उससे कम दिन में बन जाता है।
और डिपेंड करता है हर एक ऑर्डर पे, ये सारी चीज़ें FAQs हैं बेसिकली, वो बेसिक क्वेश्चंस जो किसी भी चीज़ के लिए आपके जहन में आ सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर है तो ऑर्डर के रिलेटेड आपका यही सबसे बड़ा सवाल होगा कि ऑर्डर फुलफ़िल कब होगा, तो वो सवाल आपके यहाँ हैं। FAQs हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनको आप लाजमी पढ़ें, इनसे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी, अच्छी खासी चीज़ों का आपको पता चलेगा। और ये कि चेंजेस करेगा, कैंसिलेशन का भी है कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं, इनको FAQs को आपने लाजमी पढ़ना है ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाए और ये कि आप ताकि कल को कोई गलत डिसीजन ना लें। ऑर्डर्स के बाद हमारे आ जाते हैं प्रोडक्ट टेम्पलेट्स। प्रोडक्ट टेम्पलेट्स में यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे तो वो सारे प्रोडक्ट्स यहीं पे एग्जिस्ट करेंगे। मैं आपके यहाँ पे अपने जो ऑफिशियल मेरा जो अपना प्रिंटफुल का अकाउंट है उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख सकेंगे मेरे प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि मैंने टेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप फिर चाहें दूसरे उस पर अगर ऐड लगाना चाहते हैं और किसी स्टोर में उसको सिंक करना चाहते हैं, किसी स्टोर पे उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो सब आप यहाँ से कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें भी है कि फ्रेश अकाउंट है तो इसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं नहीं कि मैं आपको बता सकूं, और एक अगर मैं इसमें प्रोडक्ट ऐड करने जाऊँगा तो वो काफ़ी लंबी चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक फ़ीचर को डिटेल में कवर करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उसको डिटेल में ज़रूर कवर करूँगा। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी है फाइल लाइब्रेरी। फाइल लाइब्रेरी में बेसिकली आपकी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं और जितने भी डिज़ाइन आप बनाएंगे, जितने भी डिज़ाइन आप अपलोड करेंगे यहाँ पर, उनकी जितने भी आर्टवर्क्स होंगे, जितनी फाइल्स आपने अपलोड की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इन केस अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या अमेंड करना चाहते हैं या फिर उसको किसी और प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं तो वो आपको सारी यहाँ पे मिलेगी। स्टोर्स के अंदर बेसिकली आपकी सारी इंटीग्रेशंस होंगी कि मतलब कौन कौन सी स्टोर्स को आपको इंटीग्रेट करना है। दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक होता है प्लेटफॉर्म्स का, दूसरा होता है API का। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब अगर आप प्रिंटफुल के साथ किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना चाहते हैं जिसके साथ प्रिंटफुल इंटीग्रेशन ऑफर नहीं करता, या फिर प्रिंटफुल में कोई ऐसा फीचर आप चाहते हैं जो कि आपको नहीं मिल रहा लेकिन आप प्रिंटफुल का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो फीचर इंप्लीमेंट करे, तो आप API का इस्तेमाल करते हुए वो फीचर अपना लगा सकते हैं। बेसिकली प्रिंटिफाई को अपने लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आप API के थ्रू। और अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से आप आके चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आपके पास वैरायटी है, शॉपिफाई है, Etsy भी है, WooCommerce है, Wix है, Squarespace है, Walmart है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के आपके पास Amazon भी है। तो देख रहे हैं आप काफ़ी सारी इंटीग्रेशन है, eBay भी है, TikTok Shop भी है, काफ़ी सारी इंटीग्रेशन है जो कि प्रिंटफुल आपको ऑफर करता है। तो ये कि अगर आप कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, ये टॉप के प्लेटफॉर्म से जिन पर आप सेल करते होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि इन पर कोई यहाँ पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सेल करते हैं और वो आपको यहाँ ना मिले, लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा कोई प्लेटफॉर्म निकल आता है तो आप API का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन तो मिल ही जाएगी। स्टोर्स के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऐसी चीज़ है जो कि प्रिंटफुल पहले ऑफर नहीं करता था। प्रिंटफुल कहता था कि भाई जो हमारी प्राइसेस है इसी पे आना है तो आओ, नहीं आने तो ना आओ। लेकिन रिसेंटली प्रिंटिफाई जो है प्रिंटफुल से काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर लेता हुआ जा रहा है, सिर्फ अपनी इस मेंबरशिप की वजह से, प्रिंटिफाई के प्रीमियमशिप की मेंबरशिप की वजह से ही। ये चीज़ देख के प्रिंटफुल ने भी अपनी मेंबरशिप्स लॉन्च की है, पिछले साल ही ये लॉन्च की हैं तकरीबन, हाँ पिछले साल ही ये मेंबरशिप्स प्रिंटफुल ने लॉन्च की है, जिसमें हमारे पास दो मेंबरशिप्स हैं, एक है प्रिंटफुल ग्रोथ और प्रिंटफुल, मैंने कहीं पर प्रिंटिफाई तो नहीं कहा ना, हाँ प्रिंटफुल, जहाँ पर मैं अगर मैं गलती से कह रहा हूँ तो आपने नोटिस करना कि प्रिंटफुल की बात कर रहा हूँ मैं। प्रिंटफुल की दो हमारे पास मेंबरशिप्स हैं, प्रिंटफुल ग्रोथ और प्रिंटफुल बिजनेस। प्रिंटफुल ग्रोथ में हमारे पास 20% डिस्काउंट होता है, DTG प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट होता है, बाकी कैटेगरीज पे 7% डिस्काउंट होता है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग पे फ्री डिजिटाइजिंग आपको मिल जाती है, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट ट्रांसफर असिस्टेंट, मतलब अगर आप कहीं और से अपने स्टोर जो है प्रिंटफुल पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको असिस्टेंस मिल जाएगी। ये सारी फीचर्स हैं जो आपको प्रिंटफुल ग्रोथ में मिलते हैं। अब प्रिंटफुल ग्रोथ की जो वैसी ऑफिशियल प्राइस है वो 24.99 है, ये आपको पर मंथ देने पड़ेंगे, लेकिन कहने के पहले आपको फ्री ट्रायल भी मिल सकता है। तो फ्री ट्रायल अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितनी देर का होगा, लेकिन फ्री ट्रायल होगा, उसके बाद आपको ये प्राइस देनी पड़ेगी जब तक आप $12,000 की सेल्स नहीं कर लेते। जैसे आप $12,000 का थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे आपके प्रिंटफुल ग्रोथ की जो मेंबरशिप है ये एक साल के लिए फ्री हो जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि एक साल तक आपको ये $24.99 मंथ की फ़ी बचेगी। अब प्रिंटफुल ग्रोथ जो है ये प्राइस जब तक आप $12,000 की सेल नहीं कर लेते आप इस मेंबरशिप को ख़रीद सकते हैं, लेकिन प्रिंटफुल बिजनेस जो है ये वाली मेंबरशिप आप परचेज़ नहीं कर सकते। ये मेंबरशिप आपको अर्न करनी पड़ती है। प्रिंटफुल कहता है कि जब तक आप
अगर आपको प्रिंटफुल बिजनेस की मेंबरशिप चाहिए तो आपको $60,000 की जो सेल्स का थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करना होगा, तभी आपको प्रिंटफुल बिजनेस की मेंबरशिप मिलेगी, वरना इस मेंबरशिप को आप खरीद नहीं सकते। इस मेंबरशिप में आपको अप टू 22% डिस्काउंट मिलता है DTG प्रोडक्ट पर, 33% डिस्काउंट मिलता है बाकी कैटेगरीज पर, 9% डिस्काउंट मिलता है ब्रांडिंग पर, और ये के सैम्पल ऑर्डर पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, फ्री डिजिटाइजिंग मिल जाती है आपको एम्ब्रॉयडरी के लिए, एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट के लिए जैसे हैड्स हो जाती है हमारी, और ये के पर्सनलाइज कस्टम, ये तो आपको वैसे ही मिल जाता है, प्रायोरिटी सपोर्ट ये आपको वैसे ही मिल जाता है, राइज फ्रंट प्रिंट फॉर सिलेक्टेड प्रोडक्ट, मतलब अभी प्रिंटफुल का अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पर एक लिमिटेड एरिया उसी के अंदर आप से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाली मेंबरशिप मिल जाती है तो आप लार्ज एरिया पर प्रिंट कर सकेंगे, और वो फिर वो जब आप ये मेंबरशिप लेंगे मिल जाएगी तो उसके बाद ही आपको पता चल सकेगा, उससे पहले नहीं। फ्री ट्रायल जो है, फ्री मेंबरशिप, यहाँ पे शायद उन्होंने बताया ट्राई प्रिंट पैक ग्रोथ फॉर फ्री, वो वॉन्ट चार्ज यू फॉर 14 डेज़। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 14 दिन तक आपको प्रिंटिफाई ग्रोथ का जो मेंबरशिप है उसका फ्री ट्रायल मिलेगा, 14 दिन तक आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको समझ आता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, नहीं समझ आता तो आप वापस फ्री पर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी कि भाई आपकी क्या कारकर्दगी है, अब ये देख रहे हैं आपने $12,000 का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करना है, लेकिन अभी तक हमने $0 ही की हैं, तो आपके भी यहीं पर शो हो रहे होंगे, जैसे ही आप $12,000 को क्रॉस करेंगे आपको ये वाली मेंबरशिप मिल जाएगी, जैसे ही आप $60,000 को क्रॉस करेंगे आपको ये वाली मेंबरशिप मिल जाएगी प्रिंटफुल बिजनेस वाली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग दे, जो डिस्क्लेमर देता हुआ चलूँ कि ये जो टारगेट है ये आपको 12 महीने एक साल के अंदर पूरा करना है, एक साल के अंदर अगर आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया तो जो होगा तो आपको ये मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ये नहीं कि लाइफ टाइम आपने $12,000 की सेल कर ली और आप ये मेंबरशिप पूरे साल के लिए ले लें, जैसे ही आप इस $12,000 की वो क्रॉस करेंगे आपको एक साल तक की ग्रोथ की मेंबरशिप फ्री मिल जाएगी, और एक साल के बाद आपकी दोबारा वैल्यूएशन होगी, अगर आपने $12,000 का थ्रेशोल्ड अपना बरकरार रखा हुआ एक साल के अंदर तो आपको ये वाली मेंबरशिप दोबारा एक साल के लिए फ्री मिल जाएगी। तो ये दिया है, होप आपको इनकी मेंबरशिप का जो भी क्राइटेरिया है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ऐसी चीज़ है कि प्रिंटफुल की जो ब्रांडिंग है वो मेरी नज़र में प्रिंट ऑन डिमांड में सबसे बेस्ट है, प्रिंटिफाई से भी अच्छी ब्रांडिंग प्रिंटफुल की है। क्यों? क्योंकि प्रिंटफुल पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, आप कस्टम ऑर्डर ट्रैकिंग पेज बना सकते हैं अपना, और पैकिंग स्लिप पे अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपना लोगो प्रिंट करवा सकते हैं, कस्टम पैकेजिंग अपनी ब्रांडिंग की करवा सकते हैं, पैकेजिंग इंसर्ट करवा सकते हैं अपने इनसाइड और आउटसाइड, नेक लेबल प्रिंट करवा सकते हैं, हेड्स पर अपना लोगो एम्ब्रॉयडर्ड करवा सकते हैं, साइड पे देख रहे हैं आप, और इसके अलावा अपने लेबल्स प्रिंट करवा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी ब्रांडिंग्स हैं जो अपनी आप प्रिंटफुल में करवा सकते हैं। तो प्रिंटफुल की ये खासियत मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि प्रिंटफुल पे आप अपने ब्रांड को की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके पेयर टू प्रिंटिफाई। तो ब्रांडिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिल जाती है आपको देखने को, इसके अलावा बिलिंग आ जाती है, बिलिंग में आपकी सारी बिलिंग डिटेल होगी, जो कार्ड नंबर आपने यहाँ पर दिया हुआ होगा यहाँ पर आपको खुद ही बता रहे हैं कि क्या बिलिंग में होगी, आप इसको सुन सकते हैं, कितने मिनट की 4 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई होंगी, लीगल इन्फो आपकी, डिस्काउंट्स आपको कितने मिले हुए हैं, करेंसी, प्रिंटफुल वॉलेट, पेमेंट हिस्ट्री के आपने किस ऑर्डर के लिए कितने पे किए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, बिलिंग और पेमेंट से रिलेटेड आपका सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, ये देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर सब कैटेगरीज भी है, पेमेंट्स, बिलिंग मेथड्स, प्रिंटफुल वॉलेट में बेसिकली आपका बैलेंस साड़ा पड़ा होगा, लीगल इन्फो, डिस्काउंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्टेटिस्टिक्स में, जैसे कि इसका नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है, स्टेटिस्टिक्स में आपको सारी आपकी कारकर्दगी मिलेगी कि आपने दिन में कितनी सेल्स की, कितने आपने प्रिंटफुल को पे किए, कितने आपने उसमें अर्न किए, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा प्रिंटफुल की आ जाती है वेयरहाउसिंग वाला फीचर प्रिंटफुल का मुझे बहुत पसंद है। इसमें बेसिकली आप प्रिंटफुल के वेयरहाउस में अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवा सकते हैं, जैसे हम अमेजन के वेयरहाउस में अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवाते हैं, वैसे आप प्रिंटफुल के कैटलॉग प्रिंटफुल के इसमें भी अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवा सकते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस है ये बहुत लंबी कहानी, इसकी फ़ी भी अलग है, तो ये सब चीज़ों में अगर मैं जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इंट्रो वीडियो दी हुई है कि किस तरीके से आप वेयरहाउस में चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं, उसकी फ़ी क्या होगी, और ये कि अगर आप इसके अलावा ख़ुद भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल इन्होंने मेंशन की हुई है। लेकिन अगर आपको इसमें समझ नहीं आती कुछ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं प्रिंटफुल के वेयरहाउसों वाली फीचर को ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगा। इसके अलावा इसकी ये देख रहे हैं इन्वेंट्री, शिपमेंट, शिपिंग, शिपमेंट्स के चार, मतलब अगर आपकी कोई शिपमेंट चल रही है तो वो यहाँ पर होगी,
और इसके अलावा प्राइसिंग प्राइसिंग भी इन्होंने मेंशन की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं अपनी प्राइसिंग, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपने बताना है कि कितने यूनिट्स हैं और ये के और यूनिट हमने इंचा यूनिट्स कितने हैं आपकी, उसके विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, हाइट क्या है, क्वांटिटी क्या है, और ये सारी चीज़ें कितनी देर के लिए आपने इन्वेंट्री रखवानी है। ये सारी चीज़ें रखने के बाद आपके यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई कितनी प्राइस इसके आपकी वेयर हाउसिंग चार्जेस कितने बनेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको देख लेते हैं, यूनिट हम इंचज़ रखते हैं, लेट सपोज 10 इंचज़ तो बहुत ज़्यादा, हाँ 5 इंचज़ बाई 5 इंचज़ के यूनिट हैं और क्वान्टिटी हमारी है 10। पीरियड होगा 1 महीना, USD में हमें इसकी बताओ भाई क्या प्राइस आप हमें इसकी चार्ज करोगे। तो ये इसने मुझे बता दी है कि अगर मैं 5 बाई 5 बाई 5 इस लेंथ के 10 यूनिट, इस डायमेंशन के 10 यूनिट 1 महीने के लिए स्टोर करवाता हूँ तो $150 है जो मुझे इनको देने पड़ेंगे। और ये प्राइस एक्सपेक्टेड अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस जैसे इनके यूनिट आपका यूनिट उनके वेयर हाउस पहुँचेगा तो आपकी प्राइसेस बता दी जाएंगी। और ये बाकी अंदाज़े के लिए आप ये देख सकते हैं कि अगर आप 10 यूनिट इनके वेयर हाउस में 1 महीने के लिए स्टोर करवाएंगे तो इतनी फ़ी है जो आपको इनको देनी पड़ेगी। ये काम कैसे करता है, सारी डिटेल यहाँ मेंशन की हुई है, टर्म्स एंड सर्विसेज इसके ये रहे, आप यहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है हमारा पार्टनर प्रोग्राम। अब प्रिंटफुल का पार्टनर प्रोग्राम जो है, इसमें आपको अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आपकी कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग है और आप इनके प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप इन दो कैटेगरीज हैं जिस तरीके से आप इनके प्लेटफॉर्म को अपने ऑडियंस के लिए प्रमोट कर सकते हैं। फिर चाहे वो रेफरल लिंक हो या एफिलिएट लिंक हो, आप उन्हें अपने बस जो भी बंदा आपके रेफरल या एफिलिएशन के थ्रू इनके पास आएगा उसके वो कुछ परचेज करेगा तो उस पर आपको भी एक कट मिलेगा, और जो आपके रेफरल के थ्रू आएगा उसको भी प्रिंटफुल कुछ डिस्काउंट देगा। तो बेसिकली अगर आपकी आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आपकी कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग है तो आप इनका जो पार्टनर प्रोग्राम है इसको भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है इसकी भी डिटेल इन्होंने यहाँ पर मैंशन की हुई है। इसके अलावा हमारी सेटिंग्स आ जाती हैं, सेटिंग्स में वही बस बेसिक कॉमन सेटिंग्स हैं जो हमारे अकाउंट के रिलेटेड, अकाउंट में हमारी पर्सनल इन्फो आ जाती है और एक अगर हम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं वो आ जाती है। अभी फिलहाल ये फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पे और कोई चीज़ें हैं नहीं ऐसी खास। अच्छा दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो कि फ्री वाले हैं, जो नए जिस नए अकाउंट में आप साइन अप करते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आपको आती है मेरे ख्याल से, ये जब आप स्टोर सेटअप कर लेते हैं उसके बाद ही आती है। जिसमें जैसे मेरे ये अकाउंट मेरा मेरा अपना प्रिंटफुल का अकाउंट है, अब इसमें ये मेरे पास फीचर है प्रोमो मेकर का। अब ये फीचर जो है फ्री वाला जो भी मैंने नया अकाउंट साइनअप किया उसमें ये फीचर मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा मैं अपने अकाउंट को साइन इन करके आप लोगों को ये चीज़ दिखा दूँ। प्रोमो मेकर में बेसिकली क्या होता है कि ये प्रिंटफुल की सर्विस है, जो बेसिकली कैनवा टाइप की ये सर्विस है जिसमें प्रिंटफुल पे आपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं उन्हें आप अपने लिए सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हैं। जिसमें अगर आप देखें इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट, इंस्टाग्राम की डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, और ये कि अगर आप स्क्रैच से कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये भी एक कूल फीचर था, मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने अपने ऑफिशियल अकाउंट में यहाँ लॉगिन हुआ हूँ। और इसके अलावा एक और फीचर भी था जो कि फ्री वाले में जो भी मैंने न्यू अकाउंट साइनअप किया उसमें नहीं था, लेकिन अभी मेरे ऑफिशियल जो अकाउंट है जिसे मैं यूज़ करता हूँ प्रिंटफुल में, वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है, उसमें ये फीचर एग्जिस्ट करता है, वो है हमारा रिटर्न्स का फीचर। अब प्रिंटिफाई अगर आप यूज़ करते हैं तो प्रिंटिफाई आपको रिटर्न्स की सर्विस ऑफर नहीं करता प्रिंटिफाई, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट प्रिंट प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपके ऑर्डर फुलफिल करते हैं। तो प्रिंटिफाई के लिए ये पॉलिसी, अभी तक प्रिंटिफाई ने ये पॉलिसी नहीं बनाई कि वो आपके लिए कोई रिटर्न वाली सर्विस आपको ऑफर करे, लेकिन प्रिंटफुल पे आपको ये चीज़ मिल जाती है। प्रिंटफुल पे आप अगर प्रिंटफुल से कोई ऑर्डर फुलफ़िल करवाते हैं और कस्टमर कल को माइंड चेंज कर लेता है या उसको साइज़ समझ नहीं आता, तो वो आइटम आप प्रिंटफुल के वेयर हाउस वापस भी मंगवा सकते हैं, और वापस मंगवाएंगे तो वो आइटम आपका यहाँ रिटर्न में स्टोर होता है, रिटर्न में स्टोर होगा, और कल को अगर उसका कोई और ऑर्डर आता है तो वो आप यहाँ से उसको दोबारा भी फुलफ़िल करवा सकते हैं। तो ये भी एक कूल फीचर था जो कि मेरे जो मैंने नया साइनअप किया उसमें नहीं आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रिंटफुल का कंप्लीट ओवरव्यू। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने चीज़ों को ऊपर से ओवरव्यू में ही रखा है, मैं डेप्थ में ज़्यादा नहीं लेके गए चीज़ों को, क्योंकि वीडियो पर कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती और हम एक अलग ही डायरेक्शन में निकल पड़ते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई फीचर है जो आपको समझ नहीं आया, आप चाह रहे किसी फीचर को मैं डेप्थ में कवर करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मुझसे zamanasmi@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने मिले हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के लोग वीडियो काम की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं सर का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर देता ताकि जब इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उस जमान, अल्लाह हाफिज़।